नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास खतौली में पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक कोच दूसरे कोच के ऊपर जा चढ़ा, वहीं एक कोच पास वाले घर में घुस गया। इस हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 100 लोग घायल है। घायलों को मेरठ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों का अभी तक पूरी तरह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हादसे का मुख्य कारण ट्रैक का मेंटेनेंस वर्क बताया जा रहा है। हादसे के वक्त ट्रैक पर काम चल रहा था और वहां किसी भी तरह के सूचना निर्देश नहीं लगे थे। आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को सूचित करने के लिए किसी भी प्रकार सिग्नल और लाल झंडी का उपयोग नहीं किया गया था। इस तरह के मेंटेनेंस कार्य के समय ट्रेन की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर होनी चाहिए, जबकि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 105 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मुख्यमंत्री योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के कुछ देर में ही एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को कोचों से निकाला और राहत कार्य शुरू किया। जल्द ही ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और ट्रैक को चालू किया जाएगा। सरकार इस मामले की लीपापोती करने के लिए सरकार और रेलवे मुआवजे की घोषणा कर रहा है। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें।